الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضه وأعرف بعض فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قد قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن له أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وبكارا يا وأحييكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا إنما تجزون ما كنتم تعملون السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات گرامی قرآن حکیم کے 27 پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور شہر صدوم کی طرف ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا قوم ہومو سیکسولیٹی کے اندر مبتلا تھی اللہ تعالی نے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا کہ چونکہ یہ الٹا کام کر رہے ہیں لہذا ان کی بستی کو الٹ دیا جائے فرشتے آئے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ بنا دیا گیا بستی کو تلپٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر حجارت من سجیل کی بارش ہوئی یہ ٹکڑا بہت ہی عجیب و غریب ہے سجیل کہتے ہیں پکی ہوئی مٹی اور حجارہ کہتے ہیں گول پتھر تو پکی ہوئی مٹی کے گول پتھر یہ دنیا کے کسی پہاڑ میں نہیں پائے جاتے
जिन पत्थरों के बरसाने की बात कही गई है, ये दुनिया के किसी पहाड़ में नहीं पाए जाते, बल्कि ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजे गए थे। हजारतुम मिन सिज्जील, पकी हुई मिट्टी के गोल पत्थर, दुनिया के किसी पहाड़ में इस किस्म के पत्थर नहीं पाए जाते, और हर पत्थर मार्क्ड था, मार्क्ड मुसव्वमा, हर एक पत्थर पर निशान लगा हुआ था कि किस आदमी को कौन सा पत्थर लगना है, अचूक निशाना। भेजा जाए तो खता ना करे, जाकर ऐन हदफ के ऊपर पड़े, और इस तरह पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इससे एक पैगाम यह मिला कि अल्लाह का कानून है मुजाजात, बदले का कानून, और अल्लाह का कानून है मुकाफात, किसी बस्ती को तबाह करने का उस वक्त तक फैसला नहीं करता जब तक कि उस बस्ती में काबिले लिहाज भलाई मौजूद है, और अगर उस बस्ती के अंदर भलाई आटे में नमक के बराबर भी न रह जाए तो अल्लाह तबारक व ताला का अजाब हरकत में आता है और अच्छे लोगों को बचा लिया जाता है और बुरे लोगों के साथ वही मामला किया जाता है जो एक होशमंद बागबान अपने बाग के सड़े हुए फलों के साथ करता है कि बाग से उठाकर फेंक दिया जाता है। ये बस्ती तबाह बर्बाद कर दी गई। बरतानवी तहकीकाती एक टीम ने इस बस्ती के तबाह शुदा आसार को डेड सी के तह के अंदर मालूम कर लिया, दरियाफ्त कर लिया, गोया ये बस्ती अब डेड सी का हिस्सा है। डेड सी मीन्स बहरे मैयत, बहरे मुर्दार, और आपको मालूम है कि इस समुंदर के अंदर कोई भी जानदार शय नहीं रह सकती। यह दुनिया का वाहिद समुंदर है कि जिसके अंदर कोई जानदार चीज मिलती नहीं, कीड़े भी जिंदा नहीं रहते, मर जाते हैं। और इस समुंदर के पानी की डेंसिटी यानी कसाफत और इसकी बॉयंसी, इसका उछाल इतना है कि अगर किसी को तैरना ना आता हो तब भी समुंदर में नहीं डूबेगा। ये इस समुंदर की खसूसियत, ये दुनिया का वाहिद समुंदर है जिसके अंदर कोई जानदार शय नहीं जी सकती, और इस समुंदर के पानी की डेंसिटी कसाफत और उसकी बॉयंसी, उसका उछाल इतना है कि अगर किसी को तैरना ना आता हो तो भी वो आदमी डूबेगा नहीं। अल्लाह ताला ने इस बस्ती को इसी बहरे मुर्दार का एक हिस्सा बना दिया है, और बरतानवी टीम ने इस तबाह शुदा बस्ती के आसार का पता बहरे मैयत की तह के अंदर लगा लिया। फरमाया गया, قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين, फरिश्तों ने कहा कि हमें قوم مجرم की तरफ भेजा गया है। एक होता है मुल्जिम, एक होता है मुजरिम। सबूत से पहले आदमी को मुल्जिम कहा जाता है और सबूत के बाद आदमी को मुजरिम कहा जाता है। इसका मतलब ये कि इनके बुराइयों के सारे सबूत फराहम हो चुके थे, इसी वजह से इन्हें मुजरिम कहा गया। कुरान कैसी बातें करता है, قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين, हमें मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है, मुजरिम लोगों की तरफ भेजा गया है। لنرسل عليهم حجارة من طين, ताकि हम इनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के गोल पत्थरों की बारिश करें, और मुसव्वमतन عند ربك, जो तेरे रब के पास ही निशान जदा है कि ये पत्थर फला को लगना है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया कि फमा वजदना फीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन, उस गांव में सिवाय एक मुस्लिम घर के और कोई घर नहीं पाया गया। और आगे मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब यह कि मुसलमान सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं कहा जाता जो लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं।
जिनको मोहम्मदन कहते हैं लोग, सिर्फ उन्हीं लोगों को मुसलमान नहीं कहा जाता जिनको मोहम्मदन कहा जाता है दूसरे लोगों की जबान में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मुसलमान हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर नबी के ऊपर ईमान लाने वालों को मुसलमान कहा गया है। जैसे यहां लूत अलैहिस्सलाम की कौम में से जो लोग आपके ऊपर ईमान लाए उनको मुसलमान कहा गया और उन्हीं को मोमिन भी कहा गया। इसका मतलब यह हुआ कि हर मोमिन मुस्लिम होता है। यहां तक बात समझ में आ गई तो आगे देखिए, अल्लाह ने फरमाया वस्समा बनैनाहा बिअयदी व इन्ना लमुसऊन, हमने आसमान को बनाया और हम उसको वसी कर रहे हैं। जब से बिग बैंग हुआ है कायनात मुसलसल फैलती जा रही है। तमाम साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कायनात का फैलना बदस्तूर जारी है, कायनात किसी हद पर जाकर रुक नहीं रही है बल्कि मुसलसल वसी होती जा रही है, फैलती जा रही है। इसी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमाया वस्समा बनैनाहा बिअयदी व इन्ना लमुसऊन, हमने आसमान को कुव्वत के साथ बनाया है, ताकत इस्तेमाल करके बनाया है और हम उसको बराबर उसात दिए जा रहे हैं, ये कायनात बराबर फैलती जा रही है। उसके बाद मकसद तखलीक इंसानी को बयान किया गया कि इंसानों की जिंदगी के मकासिद क्या हैं, इंसान को इस दुनिया में क्यों पैदा किया गया। एक मौजू और मनगढ़ंत हदीस बयान की जाती है कि लौला कलमा खलकतुल अखलाक, कि ऐ हमारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो मैं कायनात को पैदा ना करता। यह हदीस झूठी है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को किसी की वजह से पैदा नहीं किया है बल्कि उसकी इल्लत और उसका सबब इस आयत करीमा में बयान किया गया। देखिए उमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। गोया कि मकसद तखलीक इंसानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। अल्लाह ने इस कायनात को, इस दुनिया को किसी की वजह से नहीं पैदा किया है, किसी शख्सियत की वजह से पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को, इस आलम को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। सूरह तूर शुरू हो रही है, अल्लाह ने फरमाया वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक़्म मंशूर वल बैतिल मामूर। यहां बैते मामूर, बैते मामूर एक मस्जिद का नाम है। बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में हजरत आमिर इब्ने सासा रजी अल्लाह तआला ने से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो आपने साथ में आसमान पर उस मस्जिद को देखा जिस मस्जिद का नाम बैते मामूर है। तो आपने जिब्राइल से उसके बारे में जब दरियाफ्त फरमाया तो जिब्राइल ने फरमाया कि इस मस्जिद के अंदर एक बार 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और फिर कयामत तक उन 70,000 की बारी दोबारा नहीं आएगी। तेरे रब के लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि उनकी तादाद क्या है। एक बार 70,000 फरिश्ते दाखिल हुए तो कयामत तक इन 70,000 फरिश्तों की दोबारा बारी नहीं आएगी कि उस मस्जिद के अंदर दाखिल हो सके। अंदाजा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते कितनी तादाद में है। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, रावी हजरत आमिर इब्ने सासा हैं। उसके बाद ये फरमाया गया कि जन्नती जैसे जन्नत में पहुंचेंगे फौरन उनकी शादी करा दी जाएगी। जी वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हम शादी करा देंगे इनकी हूरे ईन से। आहा हा, हूरे ईन से शादी करा दी जाएगी। कैसी होती हूं हूरे ईन? हदीस में आता है अगर कोई हूर जमीन की तरफ झांक दे तो पूरी जमीन में झमाके होने लगे रोशनी, इतनी खूबसूरत होती। और सूरह साफ़ात के अंदर उन्हें बैसे मकनून कहा गया है, छुपे हुए अंडे। दर हकीकत शतुरमुर्ग के अंडों को बैसे मकनून कहा गया है, शतुरमुर्ग के अंडे। शतुरमुर्ग का अंडा ऐसे जर्दी मायल होता है, बहुत खूबसूरत होता है। और शतुरमुर्ग हमेशा अपने अंडों को अपने परों के नीचे छुपाए रखता है। जाहिर है कि जो अंडा परों के नीचे छुपा हुआ हो उस
अंडे के ऊपर गर्दो गुबार या गंदगी नहीं लगती, महफूज रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि शफाफियत में, सफाई में और तहारत में वो शतुरमुर्ग के अंडों की तरह है। और कभी कोई ऐसा औरत देखिए जिसकी शक्ल और जिसकी जिल्द का रंग जर्दी मायल हो, खूबसूरती की इंतहा है। कान नहुन बैसुम मकनून, हम इन्हीं उरे इन के साथ उनकी शादी करा देंगे। अच्छा, ये दुनिया की औरतें, ये दुनिया की औरतें जो है अगर जन्नती हैं और उनका शौहर जहन्नमी है, तब तो उस जहन्नमी शौहर से इस नेक औरत की शादी तो नामुमकिन है। इसको किसी दूसरे जन्नती के निकाह में दे दिया जाएगा। कौन चाहता कि मेरी बीवी दूसरे के निकाह में जाए? तो जरा अच्छे अमल करो ताकि बीवी हाथ से ना निकल जाए, कोई दूसरा जन्नती हाथ ना मार दे। बीवियों को कम से कम बचाओ और उनका ख्याल रखो। यहां तो बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं आप, और अगर आपने नेक काम नहीं किया दूसरे जन्नती के निकाह में दे दी जाएगी। अरे कम से कम बीवियों का तो लिहाज रखो, अच्छे बनो, नेक बनो, नमाजी बनो, परहेजगार बनो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले बनो। तो हम हूरे ईन के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हम शादी कर देंगे उनकी हूरे ईन के साथ। ये हूरे ईन कौन है? अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंशअनाहुन इंशा, हमने उनको बतौर खास बनाया हुआ है जन्नतियों के लिए। अब बतौर खास बनाया है तो कोई स्पेशल किस्म की औरतें होंगी ये, जिनको आदमी अपने तसव्वुर में नहीं ला सकता। अल्लाह ने फरमाया स्पेशल तौर पर हमने उन्हीं के लिए पैदा किया। इन्ना अंशअनाहुन इंशा, जो अरबी जानते हैं वो इस उसलूब को देख करके लुत्फ ले सकते हैं कि अनशाना के मफूल मुतलक को जाहिर कर दिया गया है। अब उर्दू से कैसे समझेंगे इस नुक्ते को? इन्ना अनशाना हुन इंशा, हमने इनको बतौर खास जन्नतियों के लिए बनाया है। ये स्पेशल किस्म की औरतें हैं कि जहनो दिमाग में अभी किसी आदमी को उनका तस्वूर भी नहीं गुजरा होगा कि औरत इतनी हसीन भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। उरुबन अतराबा, स्पेशल तो बनाई गई है लेकिन और कैसी होंगी? उरुबन, उरुबन असल में ये अरूबा की जमा है। अरूबा जमुबन, उरुबन, उरुबन का मतलब होता है हुस्नो जमाल में, अखलाक और किरदार में ऐसी के उसकी एक एक अदा शौहर को पसंद है। इसको कहते हैं उरुबा। शौहर उसकी एक एक अदा को पसंद करे उसको कहते हैं उरुबा। और अतराबा बिल्कुल हम उम्र, तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है कि जन्नतियों की उम्र 33 साल होगी और जब ये हम उम्र होंगे उसका मतलब ये कि इनकी उम्र भी 33 साल होगी। ये तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है। क्या उम्र क्या होगी जन्नतियों की? 33 साल, 33। और इन्हीं के हम उम्र होंगी हूरे अभी 33 साल। उरुबन अतराबा। अच्छा, यहां की औरतों में और हूरे ईन में फर्क क्या है? हूरे ईन को बिला उनकी इजाजत के लिए के अल्लाह तबारक व ताला जिस जन्नती को देना चाहेगा दे देगा, लेकिन दुनिया की औरतों से पूछा जाएगा ये लोग हैं किनके निकाह में रहना चाहते हैं, इनसे पूछा जाएगा और उनसे पूछा नहीं जाएगा। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और एक मर्द की कई कई औरतें होंगी, हूरे होंगी, लेकिन एक औरत के कई कई शौहर वहां नहीं होंगे। इसलिए कि वहां भी बच्चे, अगर आदमी चाहेगा तो बच्चे पैदा होंगे। अब अगर एक औरत को कई शौहरों के निकाह में दे दिया गया तो बच्चा किसका होगा? वही एतराज जो दुनिया में पैदा हो रहा था वही एतराज वहां भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम शादी कर देंगे, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ। जिनके माँ बाप, जिनके आबा अपने आमालों, किरदार और नेक अमलों की वजह से जन्नत के एक क्लास में पहुंच गए और उनके बेटे बेटियां ये बी क्लास में हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा के बाप और मां आबा वाजदाद के नेकियों की वजह से उनकी जुर्रियत को जो बी क्लास में है इनको बी क्लास से उठा करके ए क्लास में दाखिल कर देगा।
ए क्लास वालों को बी क्लास में नहीं लाएगा, ये तो ना इंसाफी होगी कि ए क्लास वालों को बी क्लास दे दिया जाए, ये ना इंसाफी है। लेकिन अगर अल्लाह बी क्लास को ए क्लास देना चाहे तो ये अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से जहां उसका अदल मुतासिर नहीं होता, उसका इंसाफ मुतासिर नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला नेक माँ बाप की नेक जुर्रियत को जो उसके नीचे दर्जे में है, बी क्लास में है, उनको उठा करके ए क्लास में पहुंचा दिया जाएगा। और लगता है सारे के सारे लोग शादी में रहेंगे, दोस्त अहबाब भी आ जाएंगे। फरमाया गया ये वहां पहुंच गए अपने माँ बाप के पास। وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, یہاں کھینچ کا بیان ہو رہا ہے, اور ہم ان کو مہیا کریں گے ہر قسم کے میوے جو وہ چاہیں گے۔ اب ہر قسم کا میوہ, دنیا میں آدمی نے کچھ میوے دیکھے ہوں گے, کچھ فروٹ دیکھے ہوں گے, وہ تو رہیں گے ہی, لیکن ایسے فروٹس اور بھی ہوں گے جن کو آدمی نے دیکھا بھی نہیں, وہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہر قسم کے پھل, एवरी काइंड ऑफ फ्रूट्स, हर किस्म के फल, बेफा की हर इन फाक्या माने फ्रूट, वलहमिम मिम्मा यश्तहून, ये आया असल खींच, वलहमिम मिम्मा यश्तहून, और हर किस्म का गोश्त जो वो पसंद करेंगे, तीतर का चाहिए तीतर, बटेर का चाहिए बटेर का, मुर्गा चाहिए काला मुर्गा चाहिए कि पीला मुर्गा चाहिए, सारे किस्म के मुर्गों का गोश्त हाजिर, बकरा चाहिए बकरा कैसा, वलहमिम मिम्मा यश्तहून, हर किस्म का गोश्त जिसकी इंसान जिसकी जन्नती ख्वाहिश करेगा इश्तिहा करेगा, वलहमिम मिम्मा यश्तहून, फ्रूट की कसरत, हर किस्म के फ्रूट, हर किस्म का गोश्त, साथ में शराब। ये तनाजा कैसी शराब है, दुनिया की शराब नहीं, दुनिया की शराब नहीं है कि पीते ही आदमी गटर में गिर जावे, वहां की शराब का मामला ही दूसरा होगा। अब शराबें रख दी गई, खा रहे हैं तो प्यार से झगड़ रहे हैं, उसकी बोटी उठाकर अपने प्लेट में रख रहे, उसका ग्लास उठा करके अपने पास खींच रहे। तर्जुमा देखिए, यतनाज़ऊन फीहा कासन, वो शराब के गिलासों में झगड़ा कर रहे होंगे, अरे यार जरा देना है, अब वो ग्लास उठा, वो ला इधर दे, यतनाज़ऊन फीहा कासन, लेकिन गालियां नहीं बकेंगे, यहां लग्व भी बोलते रहते हैं, माँ की और बहन की भी कुछ बोलते रहते हो, तो वहां ला लगून फिया वला ताफीन, वहां लग्व बात वला ताफीन और गुनाह की बात जबान से नहीं निकलेगी, प्यार से सब एक दूसरे से झगड़े, जरा ग्लास मैंने बोटी इधर कर, ये तनाज़ऊन फिया कासल ला लगून फिया वला ताफीन, अच्छा वयतूफ अलैहिम गिलमान लहुम कअन्नहुम लूलू मकनून, ऐसे वेटर्स होंगे सर्व करने वाले आपके टेबलों के ऊपर, टेबलों को ऊपर सर्व करने वाले, कान लूलू मकनून, ऐसे वेटर्स नहीं देखे होंगे जैसे कि छुपे हुए मोती हूं, इतने खूबसूरत होंगे, इतने खूबसूरत, वाक वाला बाधुम अला बाउदी यतसालून, और आमने सामने बैठकर, वाक वाला बाधुम अला बाउदी, एक दूसरे के मुकाबले बैठकर सवाल कर रहे होंगे, यार हम लोग तो बिल्कुल डरे हुए थे, कालू इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िक़ीन, हम तो डरे हुए थे न जाने हमारे साथ क्या मामला होने वाला है, कहीं जहन्नम में न फेंक दिए जाए, फ़मन्नल्लाहु अलैना वबक़ाना अज़ाब अस-समूम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें जहन्नम की आग से बचा लिया, जन्नत में पहुंचा दिया, ये अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान। तो ये एक मंजर है जो सूरह तूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों का पेश किया है, जो नेमतों को दी जाएंगी वो मंजर पेश किया गया, इस तरीके से उनकी शादी का मंजर पेश किया गया। उसके बाद एक सवाल किया जा रहा है, जिस सवाल के पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वजूद को साबित किया है। सवाल, अम खुलिकु मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकुन, क्या ये बगैर खालिक के पैदा हो गए, एक सवाल, बगैर खालिक के ये क्रिएशन है, क्रिएशन विदाउट एनी क्रिएटर, बगैर किसी क्रिएटर के पैदा हो गए, क्रिएशन है ना आप मखलूक है ना आप, क्रिएटेड है ना, तो क्रिएटेड मौजूद, क्रिएशन मौजूद विदाउट एनी क्रिएटर, कैसे बोल सकते हैं आप मखलूक हैं क्या बगैर खालिक के, आप पैदा कर दिए गए हैं बगैर किसी खालिक के, या आपने खुद अपने आप को क्रिएट कर लिया है, यू क्रिएटेड योर सेल्फ, ऐसा कैसे आपने अपने आप को खल्क कर लिया है, ये बताइए, क्या आपको पैदा करने वाला कोई नहीं, आप क्रिएटेड हो गए विदाउट एनी क्रिएटर, या यू हैव क्रिएटेड योरसेल्फ, या अपने आप को आपने खल्क कर लिया,
ان دونوں سوالوں کے جواب میں مخالف کے پاس صرف سکوت ہے, صرف سائلنس ہے. یہ سائلنس مخالف کا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے. کیا بہترین دلیل دی گئی ہے. صرف اتنا سوال کیا گیا, تم بغیر خالق کے پیدا کیے گئے ہو؟ نہیں. تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ نہیں. جب تم کو معاملہ تمہارا ایسا ہے کہ تمہارا کوئی بغیر خالق کے تم پیدا نہیں ہوئے اور تم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, تو مانو کہ ایک کریٹر ہے اور وہ کریٹر دیٹ از اللہ. تو اللہ کے وجود کی دلیل دی گئی کہ تم ہو تو وہ ہے. تمہارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موجود ہے, اس لیے کہ کوئی کریشن وداؤٹ کریٹر نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک سوال اور کیا گیا کہ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نبوت دی گئی, انہیں ہی رسالت کیوں دی گئی, انہیں ہی کیوں نبی بنایا گیا؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے, ام عندهم خزائن رحمت ربك, کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یہ ایک بہت ہی پیارا سوال ہے کہ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں نبی بنایا گیا. اب اللہ یہ پوچھ رہا ہے, دنیا کی ہدایت کے لیے کسی آدمی کو رسول بنا کر بھیجنا ضروری تھا, اب بھیجا. اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ فیصلہ کرے گا یا تم فیصلہ کرو گے؟ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے کسی رسول کا لوگوں کی طرف, انسانیت کی طرف بھیجا جانا ضروری تھا, بھیجنا ہے کسی کو. اب فیصلہ کون کرے گا کہ کس کو رسول بنایا جائے؟ تم فیصلہ کرو گے کہ اللہ مسیطر تم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں شریک مان رہے ہو کہ ہم جس کو رسول چاہیں اللہ اس کو رسول بنا کر کے ہمارے پاس بھیجے. رسول بنا کر بھیجا جانا ضروری, اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو بھیجنا ہے؟ اللہ فیصلہ کرے گا کس کو بھیجنا ہے. اگر تم کو ہمارے فیصلے سے بھیجنا ہے, اس کا مطلب تم خدائی میں شرکت کے دعوے دار ہو کہ خدائی میں ہم شریک ہیں. اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے. سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ستارے کی قسم کھائی. ذرا غور سے دیکھیے, بہت ہی باریک بات بولنے جا رہا ہوں, اس لیے کہ اس باریک بات میں جو در حقیقت قسم سے مستفاد ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی رسالت اور آپ کی رسالت کے برحق ہونے پر استدلال فرمایا. ستارے کب نکلتے ہیں؟ رات میں. ڈوبتے کب ہیں؟ جب دن نکلنے والا ہوتا ہے, دن نکلنے سے پہلے ڈوب جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى, قسم ہے ستارے کی جب وہ جھک جائے. اب بتائیے, پوری رات گزر گئی ہے, رات کا بیشتر حصہ گزر گیا ہے, اب دن نکلنے میں تھوڑی دیر باقی ہے. گویا 40 سال نبی کے گزر گئے ہیں, اب تھوڑے سے دن اور باقی ہیں. 40 سال تک تمہارے درمیان رہا نبی, روشنی میں, پوری روشنی میں رہا. اب رات کا پورا حصہ گزر گیا ستاروں کے درمیان, اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے سورج کے نکلنے میں. اس تھوڑے سے وقت کے اندر یہ جھوٹ بولے گا؟ پوری رات تو جھوٹ نہیں بولا. یہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا, 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزرا ہے, تم اس کو امین بولتے رہے, صادق بولتے رہے, اس کی زبان سے کبھی تم نے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی, امانت میں اس نے خیانت نہیں کی, کہیں کسی غلط جگہ پر نہیں گیا. اس کی کتاب زندگی کے ہر ہر ورق کو تم نے روشن مانا ہے, اس کی زندگی کے کسی پہلو پر انگشت اعتراض اٹھانے کی تمہیں جرات نہیں ہوئی, جسارت نہیں ہوئی. 40 سال کے بعد یہ کیسے افترا کر سکتا ہے؟ وہ بھی افترا علی اللہ, اللہ کے اوپر افترا ناممکن ہے. اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے. اور کیا قسم ہے, ستارہ ڈوبتا ہے, اس کے تھوڑی دیر بعد سورج نکلتا ہے. اس کا مطلب آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ گزر گیا ہے, اب بڑھاپا آ رہی ہے. 40 سال گزر گئے نبی کے, اب 40 سال کے بعد آدمی سنجیدہ ہوتا ہے, بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے, ایسے کہ اب ستارے ڈوب گئے, اب سورج نکلنے والا ہے. تو والنجمی اذا ہوا, ستارے کی قسم کھا کر کے, وہ بھی چھپنے والے ستارے کی, کہ اب ڈوب گیا ہے ستارہ, قریب ہے ڈوبنے کے, اب سورج نکلنے کی تھوڑی ہی دیر باقی ہے سورج نکلنے میں, اور صبح کی آمد آمد ہے. قسم کھا کر کے فرمایا گیا ما ضل صاحبکم وما غوا, نہ تو تمہارا یہ صاحب یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ضلالت سے متشرف ہے نہ غوایت سے. ایک ہے ضل, ایک ہے غوا. ضل معنی کیا ہوتا ہے اور غوا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اسے پڑھ لو نا اردو میں, تو پڑھ لو نا. تو اب ان جوہلا کے کہنے کی وجہ سے مدرسے بند کر دینے چاہیے تاکہ نہ ضلالت کا مطلب سمجھ میں آئے نہ غوایت کا مطلب سمجھ میں آئے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تو ایک ہے ضلالت, ایک ہے غوایت.
تو میرا نبی تمہارا صاحب نہ تو زلالت سے متصف ہے نہ غوائط سے متصف ہے, نہ ولہ نہ غوا. یہ غوائط کیا, زلالت کیا ہے؟ لا علمی کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف, دیٹ از کالڈ زلالت, اور علم کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف, دیٹ از کالڈ غوائط. اب دیکھیے, 40 سال سے پہلے آپ کو نبوت نہیں ملی, اللہ تبارک و تعالی نے کہا تب بھی میرا نبی صحیح راستے سے ہٹا نہیں, کبھی غلط راستے پر نہیں گیا, اور نبوت ملنے کے بعد بھی کبھی غلط راستے پر نہیں گیا. ایک چھوٹی سی آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بیان کر دیا گیا. سیرت بولے کوئی نبی کی سیرت بیان کرو تو یہ آیت پڑھ دیجیے, وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. سیرت ختم, نبی کی سیرت ختم ایک جملے میں. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی کوئی خطا نہیں کی, کبھی گناہ نہیں کیا, آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھا, آپ کو محفوظ رکھا گیا, آپ کو معصوم رکھا گیا, آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ معصوم, اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ معصوم. لہذا نبوت سے پہلے بھی آپ غلطیوں سے محفوظ اور نبوت کے بعد بھی غلطیوں سے محفوظ. لہذا پوری سیرت ایک آیت کریمہ میں سمٹ کر آ گئی. در حقیقت اس آیت کریمہ میں پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. یہ بھائی مستحق ہے. وہ نجمیدہ, یہ قرآن حکیم کے بیان کرنے کا انداز جسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہ نجمیدہ چوہلا جو ہے, در حقیقت غور کریں کہ قرآن حکیم کیا ہے, اس کو کیسے سمجھنا چاہیے. وہ نجمیدہ ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. میرا نبی جو بولتا ہے اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا, بلکہ جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, بات اللہ کی ہوتی ہے. یہ ہے نبی کا مقام, اس کا مرتبہ. اس کے بعد معراج کا تذکرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. ایک سوال کا جواب دیں, نبی کو تحفے میں کیا ملا آپ جب لوٹنے لگے تھے؟ کتنی چیزیں ملی, صرف گنتی بتاؤ, بولو جلدی سے, کتنی چیزیں ملی؟ ہاں یہ اب عالم ہے تو آپ تو بتائیں گے ہی نا. اب عالم ہے, آپ سے ہم نے تھوڑی پوچھا. 3 چیزیں ملی. مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے, مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو 3 تحفے دیے, کہ یہ 3 تحفے اپنی امت کو دے دینا. وہ 3 تحفے کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں از اکول ٹو 50 ہے نا, 50 کے برابر ہے, 5 وقت کی نمازیں 50 کے برابر. اچھا دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول سے لے کر کے, اور تیسرے جتنے بھی موحدین ہیں توحید کے اوپر مریں گے سب کی بخشش کا وعدہ ہے. جی یہ خاص طور سے یاد رکھیں, جتنے بھی موحد ہیں توحید کے اوپر جن کا انتقال ہوا ہے, اللہ نے یہ تیسرا تحفہ دیا ہے کہ تمام موحدین کا بخشش کا وعدہ کرتا ہوں, تم کو بخش دوں گا, خوش ہو جائیے. یہ مسلم شریف کتاب الایمان کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج سے لوٹتے وقت کن چیزوں کا تحفہ دیا؟ 3 تحفے دیے. پہلا تحفہ 5 وقت کی نماز ہے, دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, تیسرا تحفہ کہ توحید پر جو مرے گا اس کے لیے ہماری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے, ہم اسے ضرور بخشیں. یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بطور تحفہ, بطور گفٹ عنایت فرمایا, تاکہ وہ گفٹ, خصوصی تحفہ, اسپیشل گفٹ اپنی امت کو دیں آپ. اس کے بعد یہ فرمایا گیا نبی کہاں تک گئے, بولے سدرت المنتہا تک. اس کے آگے کیا ہے؟ جنت الماوا. جنت الماوا, ڈاکٹر حلوک نور باقی ایک سائنٹسٹ ہے ترکی کا, اس کی ایک سائنسی کتاب پڑھ رہا تھا میں, ڈاکٹر حلوک نور باقی نام ان کا, یہ ترکی کے ایک مشہور سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے بتایا کہ جنت میں, وہ ایک سائنسی توجیہ کی ہے انہوں نے اور اچھی لگی, وہ میں بیان کر دیتا ہوں آپ. ویسے قرآن جو ہے کسی سائنسی تائید کا محتاج نہیں ہے, قرآن ہر بات میں خود کفیل ہے, کسی سائنسداں کے تائید کی اسے ضرورت نہیں ہے. پھر بھی میں آپ کو علم میں اضافے کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ جنت میں آدمی بوڑھا کیوں نہیں ہوگا اور مرے گا کیوں نہیں, وہ سائنٹسٹ ہیں بتا رہے ہیں, اس کی سائنسی توجہ کی انہوں نے, کہ در حقیقت دنیا میں ایک چیز ہے وقت اور دوسرے ہے کشش ثقل, کھینچتی ہے نا زمین, ہر چیز کھینچ رہی ہے اپنی طرف, ہر چیز ایک کشش رکھتی ہے اپنے اندر. تو ایک تو کھینچاؤ ہے اور دوسرے وقت کا تراین, وقت کا گزرنا. تو یہاں وقت کا گزرنا اور کشش ثقل, یہ دونوں انسان کی انرجی کو رفتہ رفتہ ختم کر دیتے ہیں, اور وہاں نہ وقت ہے اور نہ ثقل ہے. لہذا سوال ہی نہیں ہے کہ آدمی مرے, سوال ہی نہیں ہے کہ آدمی بوڑھا ہو, اس لیے کہ وہاں وقت بھی نہیں ہے اور وہاں ثقل بھی نہیں ہے. یہ ایک سائنسی توجیہ ہے جو ڈاکٹر نور حلوک نور باقی نے کی.
उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्हिया इल्ला अस्माउन समैतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। अल्लाह के अलावा बहुत से बुत बना लिए गए हैं, आदमी अपने हाथों से बुत बनाता है और खुद ही उसकी परस्तिश करता है। अब अल्लाह तबारक व तआला पूछता है अपने हाथों से तुम बनाते हो बुत को और खुद ही पूजा करते हो, माबूद मानते हो, क्या अल्लाह ने इस पर कोई दलील नाजिल की है कि अपने हाथों से किसी चीज को तराशो और तराशने के बाद उसकी पूजा करने लगो। अपने हाथ से तुमने तराशा और उसकी पूजा करने लगे, ये माबूद बन गया, क्या इसके माबूद होने पर ऊपर से कोई दलील उतरी है? अल्लाह ने तो इस पर कोई दलील नहीं उतारी। अच्छा, एक चीज तो ये, और दूसरी बात ये कि तुमने मिट्टी से कोई तिमसाल बनाया, कोई स्टैचू बनाया, तुमको कैसे मालूम कि इसमें खुदाई सिफात आ गई? ये तो चल नहीं सकते, ये तो बोल नहीं सकते, खुदाई सिफात नहीं आई। और जब खुदाई सिफात नहीं आई तो इनकी इबादत तुम कैसे कर रहे हो? इसका मतलब वहमो गुमान की बुनियाद पर कर रहे हो, और अकीदे की बुनियाद यकीन के ऊपर होनी चाहिए, ना कि वहमो गुमान के ऊपर। अकीदे के पीछे मुस्तहकम दलाइल का होना जरूरी है, वहमो गुमान के ऊपर अकीदे की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। ये है अकीदा, अकीदे में और वहमो गुमान में फर्क। अकीदे की बुनियाद मुस्तहकम दलाइल के ऊपर होती है, वहमो गुमान के ऊपर नहीं। इसलिए सभी मानते हैं कि अकीदे में तकलीद जायज नहीं है, अकीदे में तकलीद जायज नहीं है, कोई नहीं मानता इसको। पता ये चला कि अल्लाह के अलावा किसी भी चीज की इबादत करना जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक नाम है, लोग एक बुत बनाते हैं उसका एक नाम रख देते, सिर्फ नाम है, मुसम्मा का पता नहीं, नाम है मुसम्मा का पता नहीं है। इन्हिया इल्ला अस्माउन समैतुम हुआ, ये नाम है फकत, तुमने उनका नाम रख लिया, नाम है मुसम्मा का पता नहीं। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया अल्लाह तज़रु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सअ, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा और इंसान को वही कुछ मिलने वाला है जो उसने कोशिश की है। कुरान खानी, तीजा, चहलुम, ये तमाम की तमाम जो बिदातें ईजाद की गई हैं खाने पीने के नाम पे कि इसके जरिए मुर्दों को सवाब मिलता है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इंसान ने जो कुछ किया है सिर्फ उसी को उसका सवाब मिलने वाला है। हदीस शरीफ में इंसान मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, सिर्फ तीन चीजें मिलती हैं, तीन चीजों का सवाब मिलता रहता है। क्या? एक तो कोई अच्छा इल्म छोड़ करके गया है, सदका जारिया है, और इसी तरह कोई अच्छा लड़का है, अच्छी औलाद है जो उसके लिए दुआ करे। अब ये कुरान खानी, तीजा, ये तमाम की तमाम जो बिदतें ईजाद की गई हैं इनका कोई सबूत न कुरान से है न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से है। उसके बाद सूरह कमर शुरू होती है, इख्तरबत अस्साअत वंशक्कल कमर वही यरौ आयतन युरिदु वयकूलु सिहरुन मुस्तमिर, कयामत करीब आ गई है, चांद दो टुकड़े हो गया। दर हकीकत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से रिवायत है बुखारी शरीफ के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के मुतालिबे पर अपनी उंगली चांद की तरफ उठाई तो चांद दो टुकड़े हो गया। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जो इस रिवायत के रावी हैं, और गवाह कौन कौन है, हजरत जुबैर इब्ने मुतईम, हजरत हुज़ैफा, हजरत अली, बहुत सारे सहाबे किराम इस वाकये के शाहिद हैं, गवाह हैं। वो कहते हैं कि जब चांद दो टुकड़े हुआ तो एक टुकड़ा एक पहाड़ के ऊपर चला गया, दूसरा टुकड़ा दूसरे पहाड़ के ऊपर जबल अबू कुबैस के ऊपर चला गया। दोनों टुकड़े दो पहाड़ों के ऊपर चले गए, इसका मतलब चांद दो टुकड़े हो चुका। दर हकीकत ये कयामत के वकूअ की एक दलील भी है कि देखो आज चांद के दो टुकड़े हो गए, कुर्बे कयामत में पूरे अजरा में फलकिया को दरहम बरहम कर दिया जाएगा, उसकी निशानी है कि आज चांद दो टुकड़े हो गया मेरे नबी की उंगली के इशारे से। और चांद पर जो लोग पहुंचे हैं उसकी सतह के ऊपर उन्होंने देखा कि बहुत सारे आतिशफशानी गढ़े हैं जिनको इंग्लिश में क्रेटर बोलते हैं, C-R-A-T-E-R-S, क्रेटर्स। क्रेटर्स कहते हैं आतिशफशानी गढ़ों को, आतिशफशानी गढ़े जिनको अंग्रेजी में क्रेटर्स बोला जाता है, ये वहां चांद की सतह पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी इस चांद के अंदर कोई असर आया था जिसकी वजह से चांद दो टुकड़े हुआ और थोड़ी ही देर के अंदर कानून इंजज़ाब ने उसे फिर दोबारा मिला दिया हो। कोई अजब नहीं, साइंस भी इस बात की तरदीद नहीं करती बल्कि तौसीक करती है कि हो सकता है कि चांद दो टुकड़े हुआ हो। कोई अजब नहीं कि थोड़ी देर के लिए चांद दो टुकड़े हुआ हो, चांद फट गया हो और फिर बाद में कानून इंजज़ाब ने फिर दोनों टुकड़ों को आपस में मिला दिया हो, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसलिए कि क्रेटर्स और आतिशफशानी गढ़े मौजूद हैं जो इस बात का इम्कान पेश करते हैं कि हो सकता है
कि चांद फट गया। और हमारा तो यकीन है इस हदीस की रोशनी में और कुरान हकीम की आयत में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्त मुबारक उठी तो चांद दो टुकड़े हो गए। उसके बाद सूरह रहमान शुरू होती है। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि हम जो कुछ देते हैं, हमारी एक नेमत ये भी है कि हर चीज पैकिंग में देते हैं, खुली चीज हम नहीं देते। अर-रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, सबसे पहले तो ये कहा गया कि रहमान ने, अर-रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, रहमान ने कुरान सिखाया। इसका मतलब है कुरान हकीम दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी रहमत है इंसान के ऊपर, रहमत बना करके भेजा गया। इसलिए कि अल्लाह खुद रहीम, उसका रसूल खुद रहमत वाला, वो मारसल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन, और कुरान भी बसूरत रहमत अल्लाह तबारक व तआला, एक रहीम ने एक रहीम के हाथों एक रहमत वाली चीज को इंसानियत के सामने पेश कर दिया। यही तो कहा जा सकता है अल्लाह रहीम और उसका रसूल भी रहीम। कायनात के लिए रहमत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन, और कुरान भी रहमत खतम व रहमा, कुरान हकीम की सिफत बयान की गई। गोया रहीम ने रहीम के हाथों रहमत इंसानियत के सामने पेश कर दी। अब अल्लाह का रहम चाहिए तो इस रहमत वाली चीज को पकड़ लो, जिस रहीम ने रहीम के हाथों आपको यह रहमत दी, सही है जी। अर-रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बानी वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफअहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्रा बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام ذات الاكمام بالکل پیکیجڈ پیکنگ میں ہم ہر چیز دیتے ہیں۔ کیلا کھلا نہیں دیا جاتا آپ کو، اوپر سے اس کی پیکنگ اتاری ہے اس کے بعد کھائیے، خلاف ہے اوپر سے۔ ہم جو چیز گیہوں دیتے ہیں تو بھالیوں کے اندر دیتے ہیں، کوئی چیز ہم کھلی نہیں دیتے آپ کو، بالکل تازی دیتے ہیں، وہ بھی پیکنگ کے اندر دیتے ہیں، ہر چیز خالص دیتے ہیں۔ لہذا ہمارے پاس جب آؤ تو خالص تابعدار ہو کر کے آؤ۔ یہ کیا کہ ہم ہر چیز آپ کو خالص پیش کریں اور ہمارے پاس آپ کے اعمال ہے تو خالص نہ ہوں، یہ تو بالکل غلط بات ہوگی۔ تو ہم ہر چیز پیکج دیتے ہیں، پیکج میں دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا دو مغربوں کا مالک ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے وہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے سائنس کی کتابوں میں، دیکھو یہ بال ہے نا، بال، یہ بال ہے ایک، اب بال کو رکھ دو اسے نیچے، اس کے بعد ایک ٹارچ لو، ایسے سمجھایا جاتا تھا سائنس کے پیریڈ میں کہ ایک بال رکھ دیا گیا، بال، اور ادھر رکھ دیا گیا انڈیا، اب پیچھے لکھ دیا گیا امریکہ، بالکل امریکہ انڈیا کے بالکل پیچھے، تو یہ بال رکھ دیا گیا، بال کے سامنے لکھ دیا گیا انڈیا اور بال کے پیچھے لکھ دیا گیا امریکہ۔ اب روشنی ڈالیے تو اب انڈیا کا پورا حصہ آپ کے سامنے ہے اور روشن ہے اور امریکہ تاریک ہے پیچھے کی طرف۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے انڈیا ہے تو اس کا ایک مشرق اور ایک مغرب ہے، اور پیچھے جو امریکہ ہے اس کا ایک مشرق اور ایک مغرب ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا مالک اور دو مغربوں کا مالک، تو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، کیا کتاب ہے، کیسی گفتگو کرتی ہے۔ فرمایا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا ایک ساتھ مل کر چلتے ہیں، آگے چل کر کے مل جاتے ہیں، ملنے کے بعد دونوں کا پانی آپس میں ملتا نہیں، اس لیے کہ ان کے درمیان، دو پانیوں کے درمیان ایک انسین بیریئر ہوتا ہے، ایک برزخ ہوتا ہے، ایک نہ دکھائی دینے والی آڑ۔ یہ نہ دکھائی دینے والی آڑ، یہ جو انسین بیریئر ہے، یہ ایک پانی کو دوسرے پانی میں ملنے نہیں دیتا۔ کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا اور میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا۔ اس کو سائنس کی اصطلاح میں سرفیس ٹینشن بولتے ہیں، سرفیس ٹینشن۔ مثلا ایک گلاس ہے، گلاس، گلاس کو پانی سے بالکل پر کر دیجیے، اس کے بعد جب پانی بالکل یہ پیمانے کے گلاس کے خط پر آ جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے رکے گا اور اس کے بعد پھر بہے گا، پھر بہے گا۔ اس کو کہتے ہیں سرفیس ٹینشن، اسی سرفیس ٹینشن کی وجہ سے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ سمجھا رہا ہوں،
डाभेल में, डाभेल गुजरात में, डाभेल शहर से 12 किलोमीटर पर समंदर है, 12 मील पर या 12 किलोमीटर, 12 मील या 12 किलोमीटर से थोड़े फासले पर। अब जब समुंदर का पानी जब मद्ध होता है, मद्ध मीन्स पानी जब बढ़ता है समुंदर का, और जजर मीन्स जब घटता है, मद्दो जजर, मद्ध मीन्स बढ़ना, जजर माने घटना, जब पानी समुंदर का बढ़ता है मद्ध होता है तो ये पानी समुंदर का आसपास की नदियों में आ जाता है जिनका पानी मीठा है, चढ़ाया मद्ध हुआ तो समुंदर का खारी पानी मीठे पानी की नदियों में आ गया, और जब जजर होता है तो पूरा खारा पानी मीठे पानी के ऊपर से उतर करके समुंदर में चला जाता है और मीठा पानी वहीं बाकी रहता है। इसका मतलब मीठा पानी खारे पानी में नहीं मिलता, खारा पानी मीठे पानी में नहीं मिलता। अगर मुशाहदा करना हो तो डाभेल की नदियों के पास चले जाओ जहां समुंदर बिल्कुल पास में है। तो मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुम बरज़खुल्ला यब्गियान, मैं चाहता हूं जेवी कोस्टू का वो वाकया बयान करूं। ये बहुत बड़े मुहक्किक हैं और ये पानी के अंदर तहकीकात कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि मेडिटेरेनियन सी और इस तरीके से अटलांटिक सी, बहर ओकियनोस और इस तरीके से ये जो दो दरिया हैं, अब ये दो दरिया ओकियनोस और एक का और नाम है मेडिटेरियन सी, दोनों अटलांटिक और मेडिटेरियन, दोनों ये कीमियावी और हयाती एतबार से दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं दोनों के पानी। और जेवी कोस्ट्यू ये एक फ्रांसीसी साइंसदान थे और नॉन मुस्लिम, काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, ये पानी के ऊपर तहकीक कर रहे थे। तो उनका कहना यह है कि मैं आबनाए जिब्राल्टर के करीब जब पहुंचा तो मैंने देखा कि समुंदर के नीचे चश्मे हैं पानी के, और मेरी जब तहकीक आगे बढ़ी तो मैंने ये देखा कि जबल तारिक के जुनूबी साहिल यानी मराकश और जबल तारिक के शिमाली साहिल यानी कि स्पेन, यहां इन साहिलों के नीचे मीठे पानी के चश्मे जारी हैं, खारे पानी में मीठे पानी का चश्मा जारी है, और ये चश्मे 45 डिग्री का 45 डिग्री का जाविया बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और बाकायदा कंघों, कंघे की दांतियों के शक्ल, दांतों की शक्ल में एक दूसरे से ऐसे आकर के मिल जाते हैं, 45 डिग्री का जाविया बनाते हुए आपस में मिल जाते हैं। गोया जेरे समुंदर पानी के खारे पानी के नीचे मीठे पानी का चश्मा जारी है, मीठे पानी के चश्मे मौजूद है। कहते हैं कि जब यह आयत उनको दिखाई गई जेवी कोस्टी को, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्गियान, जिसकी वजह से अटलांटिक सी का पानी और मेडिटेरेनियन सी का पानी आपस में एक दूसरे से मिलता नहीं, यही वजह है जो वजह उन्होंने बताई कि उसके अंदर पानी के मीठे पानी के चश्मे हैं। जेवी कोस्टी को याद करीमा दिखाई गई सूरह रहमान के, फौरन ही मान लिया, उन्हें बड़ी हैरत हुई, कहा कि कुरान में ये चीज मौजूद है, और उसके नीचे लिखा गया जहां उनके ईमान लाने का तस्करा है कि दिस इज द वर्स They showed the Jeevi Coast to the right way. ये वही आयत है जिसने Jeevi Coast को सही रास्ता दिखाया। This is the way they showed the Coast to the right way. ये वही आयत है जिसने Coast को सराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत दी। मारा जाएगा कैसे? तीनों आदमी उसके ऊपर हमला कर देंगे और कत्ल कर देंगे और एक एक ढेर बांट लेंगे। और उस आदमी ने क्या सोचा कि खाने में जहर मिला देता हूं, पूरा पूरा सोना मेरा हो जाता है। उसके बाद जैसे ही खाना लेकर के आता है, रखता है, ये तीनों झपटते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं कि एक एक ढेर बांट लेंगे। उसके बाद खाना खा लेते हैं, तीनों के तीनों चीत लेट जाते हैं, ये तीनों मर गए। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ हवारियों के साथ जब वापस लौटे, देखा तो वहां 4-5 लाशें पड़ी हुई हैं। फौरन सारा माजरा समझ गए कि क्या हुआ था, तो अपने हवारियों को मुखातब करके फरमाया, बचो नीयत की खराबी से, इसलिए कि खराबी है नीयत वाला, जिसकी नीयत खराब हो जाए खुद तबाह होता है और उसकी नीयत की खराबी की वजह से दूसरे लोग भी तबाह हो जाते हैं। इसी वजह से हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ का आगाज उस हदीस से किया है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयत के ऊपर है, नीयत से बुखारी शुरू होती है और तौहीद के ऊपर खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये कि बुखारी शरीफ में जितनी रिवायतें हैं उनके ऊपर अमल करने के लिए जरूरी है कि आदमी की नीयत खालिस हो,
इन्नमल आमालु बिन्नियत। तो इन लोगों की नीयत खराब थी, इस नीयत की खराबी की वजह से पूरा बाग तबाह हो गया। लिहाजा नीयतों को साफ रखो, कहीं ऐसा ना हो कि इस नीयत की खराबी की वजह से तुम खुद तबाह हो जाओ और उस तबाही के असर दूसरों तक मुंतद हो। तो यह असहाबे जन्नत का वाकया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह हक्का के अंदर एक बात इरशाद फरमाई, फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून, मैं कसम खाता हूं उन चीजों की जो दिखाई देती है और मैं कसम खाता हूं उन चीजों की जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को बात चीजें दिखाई देती हैं, बात चीजें उसके महसूसात के दायरे से बाहर होती है। अल्लाह ताला ने यहां कसम खा करके कसम को दलील बनाया है। गौर करो कि बात चीजें तुम देखते हो, बात चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं, देख करके तुम मानते हो ना उनको, लेकिन बात चीजें तुम नहीं देखते हो लेकिन इसके बावजूद भी तुम मानते हो। लिहाजा अगर मेरा रसूल चंद अनदेखी बातें तुम्हारे सामने रखता है तो उसको मान लेने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। यानी कसम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की दलील दी और कुरान के मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने की दलील दी। क्या बात है, फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून। उसके बाद आपका मर्तबा और मकाम, मकाम नबूवत की अहमियत को वाज़ह किया गया कि हम जो कुछ अपने नबी पर उतार रहे हैं ये पूरी दयानतदारी के साथ अपने उम्मत के सामने रख दे। अगर ये ऐसा नहीं करते तो ला खज़ना मिनहु बिल यमीन ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, अगर इन्होंने कुछ छुपा लिया तो हम इनको दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और इनकी शहरक काट देंगे। बताइए चला कि नबी को जो कुछ अल्लाह की तरफ से दिया गया था नबी ने मिन वान उम्मत तक पहुंचा दिया। लिहाजा बाज लोगों का यह कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ छुपा लिया था, एक इल्म होता है जो सीना बसीना मुंतकिल होता है, वो बातिनी इल्म है। दर हकीकत ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम है। बुनियाद यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें हजरत अली को बताई, दीगर सहाबे कराम को नहीं बताई, तो हजरत अली से जो इल्म सीना बसीना मुंतकिल हुआ वो इल्मे तरीकत है और जो लोगों को मालूम हो गया तो वो इल्मे शरीयत है। लिहाजा शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। जो शरीयत में हराम होता है वो तरीकत के अंदर हलाल होता है, जो शरीयत में हलाल होता है तरीकत में हराम होता है। इसी वजह से अगर किसी सूफी को जना में मुब्तला देखो या शराब पीता हुआ देखो तो उसे टोको नहीं, बल्कि हो सकता है कि ये रस्म और राह तरीकत से वाकिफ हो। और हाफिज शिराजी की वो दीवाने हाफिज शिराजी है उसके अंदर तो एक शेर है बड़े गजब का, कहता है बमै सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोयत की सालिक बेखबर नबूवत जरा हो रस्म मंजिल हा। वो बोलता है कि अगर तू पीरे मुगा को कोई गलत काम करता हुआ देखे बल्कि मुसल्ले पर बैठ करके शराब पीता हुआ देखे तो तू उसको टोक नहीं सकता, इसलिए हो सकता है कि वो तरीकत के राह रस्म से अच्छी तरह वाकिफ हो। बमै सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोयत की सालिक बेखबर नबूवत जरा हो रस्म मंजिल हा। वो मंजिल के रस्म राह से, रास्ते के अप्स एंड डाउन से उसके नशे बफराज से अच्छी तरह वाकिफ है। और हम शरीयत और तरीकत को किस तरह मानते हैं? शरीयत जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया वो शरीयत है और अल्लाह के रसूल ने उन पर अमल करके बताया वो तरीकत है। लिहाजा किताबुल्लाह शरीयत है और अहादीस रसूल तरीकत है। शरीयत और तरीकत को हम इस अंदाज से मानते हैं, शरीयत है कुरान और तरीकत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिस पर आप जिंदगी भर चले, ये शरीयत और तरीकत जिसको हम इस तरह मानते हैं। लिहाजा ये आयात बता रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ दिया गया था आपने मिनवान उम्मत के सामने रख दिया, आपने कुछ छुपाया नहीं, इसलिए कि आयत करीमा में है कि अगर वो ऐसा करते तो और या अपनी तरफ से कोई बात बढ़ा देते तो ला खज़ना मिनहु बिल यमीन थुम्मा लक़ताना मिनहु अल-वतीन, वतीन माने शहर, शहर काट देते, दाएं हाथ से पकड़ते। उसके बाद सूरह मआरिज है। सूरह मआरिज के अंदर बताया गया कि मैदान महशर का ऐसा खौफनाक मंजर होगा कि एक गहरा दोस्त अपने दोस्त को देखेगा, वला यसअलु हमीमुन हमीमा, एक गहरा दोस्त अपने गहरे दोस्त को देखने के बाद भी उसको पूछेगा नहीं, युबस्सरूनहु, हालांकि वो एक दूसरे को देख रहे होंगे। और यवद्दुल मुजरिमु लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिन बिबनी, उस दिन मुजरिम ये चाहेगा कि काश कोई मेरे बेटे को ले लेता मुझे छोड़ देता, मेरी बीवी को ले जाता मुझे छोड़ देता, मेरे बाप को ले जाता मुझे छोड़ देता, बल्कि पूरी दुनिया दे करके वो मंजिल और जमीन दौलत
ले ले लेकिन मुझे छोड़ दे, लेकिन वहां ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तमन्ना होंगी, सिर्फ और सिर्फ आरजू होंगी, यहां पछताए कुछ नहीं हो। जब चिड़िया चुके खेत, यहां पछताने से कुछ नहीं होगा। लिहाजा यही समझ लो कि कयामत के मैदान में कोई दोस्त किसी दोस्त की कोई मदद नहीं कर सकेगा, अपनी नेकियां उसे देने से कतराएगा, बात भी नहीं करेगा। लिहाजा यही होश के नाखून ले लो, खुद अपने अमल अच्छे रखो। बाद लोग कहते हैं फला साहेब कब्र से साहेब मदार से मेरी निस्बत हो गई है, पकड़ करके जन्नत पे ले जाएगी। कोई जन्नत पे ले जाने वाला नहीं, ये बात याद रखो। आदमी अपने अमलों का खुद जिम्मेदार है, और आदमी का अमल ही और अल्लाह तबारक व तआला का रहम उसे जन्नत में ले जाएगा। सूरह नूह के अंदर बयान फरमाया गया कि शिर्क की इब्तिदा कैसे हुई। हजरत आदम से लेकर के नूह की पैदाइश तक सारे लोग एक ही उम्मत थे, तौहीद के मानने वाले थे। शिर्क कैसे आया बताया गया, गुलू की राह से आया। पांच बड़े पीर थे, बड़े अच्छे लोग थे कौम नूह में, लोग उनसे मशवरा करते, उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़े नेक लोग थे, यकीनन सालेहीन थे, वली थे वो लोग। और उनके मर जाने के बाद बड़े गमगीन हुए। शैतान आया, ऐसे मौके की तलाश में रहता है। इन पांचों के इस दुनिया से चले जाने के बाद शैतान आया, देखा कि पूरी कौम गमगीन है, क्या बात है। कहा कि हमारे दरमियान पांच लोग थे, हम उनसे मशवरा लिया करते थे और उनसे दुआएं करवाते थे, बरकतें हासिल करते थे। अब वो पांचों हमारे दरमियान नहीं रहे, इस वजह से हम कमजोरा है। कहा एक तरीका बताता हूँ ना उनके याद रखने का, जहां जहां ये बैठते थे वहां अंसाफ बना लो, इनके स्टैचूज बना लो। कानू यजलिस सुन अंसाफन, जहां ये बैठते थे वहां अंसाफ बना लो, इनके बुत बना लो और देख देख करके तसल्ली हासिल कर लिया करो। उन्होंने बना लिए लेकिन पूजा नहीं करते थे, सिर्फ तसल्ली हासिल कर लिया करते थे। अब ये जो प्रेजेंट जनरेशन थी बुड्ढों की, ये सबके सब जमर गए। और जो कमिंग जनरेशन आई, आने वाली आगे की जनरेशन आई, तो शैतान फिर आया। कहा कि जानते हो ये स्टैचू जो पांच खड़े हैं पांच जगहों पर, तुम्हारे आबा उस्ताद इनके साथ क्या करते थे? बोले क्या करते थे? बोले कि इबादत करते थे। सारी कौम इबादत पे लग गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक इनको तौहीद की तरफ बुलाया, लेकिन कौम ने मान कर नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर पानी का आजाब नाजिल फरमाया और पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। जो कश्ती में बाकी रहे उन्हीं से नस्ल इंसानी फैली है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी का तस्करा सूरह बनी इसराइल के अंदर तफसील से किया है। सूरह जिन शुरू होती है, सूरह जिन के अंदर ये बताया गया कि जिस तरीके से मुसलमानों में या इंसानों में बहुत सारे फिरके हैं, ईसाई हैं, कुछ कुछ यहूदी हैं, कुछ मुशरिक हैं, इसी तरीके से जिन्नों में भी ये फिरके मौजूद हैं। कुछ यहूदी जिन हैं, कुछ ईसाई जिन हैं, कुछ मुशरिक जिन हैं। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी तफसील के साथ बताया कि उनमें भी इस तरीके के लोग हैं, यहूदी ईसाई और मुशरिक वगैरह। और उसके बाद ये फरमाया गया वान्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तद्उ मा अल्लाहि अहदा, ये मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, तो मस्जिदों में अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो। देखो लाउड स्पीकर के अंदर क्या क्या जो है गाया जाता है और क्या क्या लोग पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं अल्लाह। वान्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तद्उ मा अल्लाहि अहदा। बाद लोग तो फिल्मी धुन, यानी आदमी अगर गौर से ना सुने तो लगेगा ऐसा कोई फिल्मी गाना चल रहा हो, जबकि फिल्मी तर्ज में नात वगैरह को पढ़ना मेरा ख्याल है कि कोई आलिम फतवा नहीं दे सकता कि जायज़ है। फिल्मी धुन में इसलिए कि ये तकलीद हो गई ना, नक्काली हो गई, फिल्मी नक्काली हो गई। क्या नात फिल्मी धुन में पढ़ी जाएगी? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ इस अंदाज में की जाएगी कि फिल्मी धुन हो उसमें नबी की तारीफ हो? वानल मसाजिद लिल्लाह फला तद्उ मा अल्लाहि अहदा, मस्जिद अल्लाह के लिए, तो मस्जिदों में अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो। सूरह मुज़म्मिल में फरमाया गया कि नफ्स तो बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। इसकी मिसाल कुत्ते की सी है, नफ्स की कुत्ते की सी है। अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो नापाक हो जाता है ना, 7 मरतबा धुले बगैर पाक नहीं होता, और 1 मरतबा मिट्टी से। कोई कुत्ता अगर बर्तन में मुंह डाल दे तो जब तक 7 मरतबा ना धुला जाए तब तक वो बर्तन पाक नहीं होता। पास औरतें, वो छोटे छोटे घर होते थे पहले, वो घर के सारे बर्तन ला करके घर के सामने रख देती थी और कुत्ते आकर के उसमें चाट करके जो खाना वाना होता था खाकर चले जाते थे। और ये औरत कामचोर इस तरीके से 1-2 मरतबा धुल करके उसको घर में रख देती थी, उसी में अपने शौहर को खाना दे रही है, अपने बच्चों को खाना दे रही है, खुद खाना खा रही है, जबकि उस बर्तन को 7 मरतबा धुले बगैर और 1 मरतबा मिट्टी या साबुन से धुले बगैर बर्तन पाक नहीं होता। तो नफ्स की मिसाल कुत्ते की सी है, ये अगर मुंह डाल दे किसी चीज के अंदर तो वो नापाक हो जाता है, लेकिन अगर इसको शरीयत का पाबंद धीरे धीरे बना करके मुअल्लम बना दिया जाए, ट्रेंड कर दिया जाए,
तो इसका मुर्दार हलाल है। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ करके मुअल्लिम कुत्ते को छोड़ दिया जाए, शिकार को मार डाले, तो बगैर ज़बह किए हुए हलाल है जी। तो नफ्स की मिसाल कुत्ते की सी है, इसको ट्रेंड करो कुरान और हदीस की रोशनी में, इसको पाबंद बनाओ। अगर नफ्स ये कहे मस्जिद में नहीं जाना है, ठंडी पड़ रही है, मस्जिद में जाओ, नफ्स को मुअल्लिम बनाओ, ट्रेंड करो। ट्रेंड करने में थोड़ी तकलीफ होती है कुत्ते को, लेकिन आखिर में जब ट्रेंड हो जाता है ना, तो फिर वो अपने काबू में आ जाता है। जब तक ट्रेंड नहीं होता ये काबू से बाहर रहता है। ट्रेंड कर दो फिर उसके बाद अगर ये मुर्दार के ऊपर छोड़ दिया जाए तो इसका मारा हुआ मुर्दार भी हलाल हो जाता है, जबकि मुअल्लम ना हो तो इसका मुर्दार हराम है। तो नफ्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका बताया गया कि रात में तहज्जुद पढ़ो। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैल इल्ला क़लीला, रात में उठो, निस्फहु अव इन्कुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिल क़ुरआन तर्तीला, रात में कुरान हकीम की तिलावत करो। ये रात में उठना तहज्जुद पढ़ना ये नफ्स को सबसे ज्यादा कुचलने वाला है, नफ्स को सबसे ज्यादा कटो। लिहाजा अगर नफ्स को ट्रेंड करना है, मुअल्लिम बनाना, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है। नफ्स की मिसाल कुत्ते की सी है, मुअल्लिम करना। अब मुअल्लिम बनाने का तरीका बताया गया कि अशद्द वतअ वअक्व मुखीला, सबसे बेहतरीन तरीका यह कि आदमी तहज्जुद पढ़े। तहज्जुद में उठने की वजह से नफ्स मुअल्लिम हो जाएगा, धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आ जाता। सूरह मुद्दसिर शुरू होती है, सूरह मुद्दसिर में बयान फरमाया गया कि कयामत के दिन जहन्नमी जन्नतियों को देखेंगे और जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे। अल्लाह तबारक तआला कभी कभी ऐसा हिजाब उठा देगा उनके दरमियान से, पर्दा उठ जाएगा, एक दूसरे को देखेंगे। अब जन्नती देखेंगे, अरे कुछ लोग तो हमारे दरमियान रहते थे, हमारे ताल्लुकात थे, कभी कभी हमारे उनके पंगे भी हो जाया करते थे, ये चौधरी लोग यहां कैसे? तो वो पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में कैसे आ गए, कौन सी चीज ले आई? तो सबसे पहली जो बात कहेंगे वो ये कहेंगे वजह जहन्नम में, कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकुन तुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन, गप मारने वालों के साथ गप मारा करते थे, इधर नमाज हो रही है उधर गप चल रही है, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, आखिरत के बारे में हम बिल्कुल लापरवाह थे और हम आखिरत के दिन को छुटाया करते थे। रफ्ता रफ्ता मामला चलता रहा और मौत आ गई और यहां तक पहुंच गए। इसका मतलब है नमाजों की पाबंदी की जाए, मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए और फजूल कामों में अपना वक्त न गुजारा जाए। सूरह कयामत शुरू होती है, सूरह कयामत में अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स लवामा की कसम खा करके इस्तिदलाल फरमाया है बास बादर मौत पर, कयामत के हुकूक के ऊपर। कैसे? बहुत प्यारी दरी है। ये बताओ कि जब तुम गुनाह करते हो तो अंदर कोई बोलता है कि नहीं कि तुमने गलत किया, और जब तुम अच्छा काम करते हो कोई अंदर से बोलता है ना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। आदमी अच्छा काम करता है तो खुशी होती है, आदमी बुरा काम करता है तो तबीयत में इंकबाज होता है, मैंने क्या कर डाला। तो बुरे काम पर तबीयत का मुनकबिज होना और अच्छे काम पर तबीयत का मुंबसित होना, खुश होना आदमी का, इस बात की दलील है कि इंसान के बदन के अंदर एक अदालत है और उसके अंदर उस अदालत का जो जज है वो नफ्स लवामा है, जो आदमी के बुरे काम के ऊपर उसे डांटता है और आदमी के अच्छे काम के ऊपर उसे सराहता है। जब तुम्हारे बदन के अंदर एक छोटी सी अदालत है और उसका एक जज है जो तुम्हारे अच्छे कामों के ऊपर तुम्हें सराहता है, बुरे कामों के ऊपर तुम्हें डांटता है, तो इस छोटी सी अदालत के ऊपर क्यों मान नहीं सकते कि एक बड़ी अदालत हो जहां तुम्हारे अच्छे बुरे अमलों को देखा जाए, चेक किया जाए और उसका बदला दिया जाए। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स लवामा को कयामत के हुकूक की दलील बनाया है। ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक्सिमु बिन्नफ्स लवामा, मैं कसम खाता हूं कयामत के दिन की और मैं कसम खाता हूं नफ्स लवामा की। गोया कयामत के कायम होने की दलील नफ्स लवामा है। उसके बाद सूरह दहर शुरू होती है, सूरह दहर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया जन्नत पूरी एयर कंडीशन है, पूरी की पूरी, और जन्नत का पूरा पूरा मंजर हरा है, ग्रीनरी चारों तरफ, अल्लाह हू अकबर, जन्नत पूरी एयर कंडीशन है, यहां का एयर कंडीशन नहीं, जन्नत पूरी। ला क्या फरमाया गया? शमसम वला जमर, ला यरौना फीहा शमसम वला जमहरीरा, ना तो बहुत ठंडक ना तो बहुत गर्मी, मीडियम कैफियत को क्या बोलते हैं, एसी ही तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं, एयर कंडीशन। एयर को एक होता है एयर कूलर, वो खाली ठंडा कर देता है, ये एयर को कंडीशन में ले आता है। एयर कंडीशनर अलग होता है और कूलर अलग होता है जी। तो जन्नत पूरी की पूरी एयर कंडीशन है,
ला यरون فيها شمس ولا زمهريرا, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा न गर्म, बीच बीच की कैफियत को एसी तो कहते हैं, जन्नत पूरी की पूरी। और प्याले कैसे होंगे, उसे प्याले आपने देखे नहीं, शीशे में चांदी मिलाकर के कभी देखा है आपने प्याला बनता हो, पता नहीं वहां कैसे ढाले जाएंगे। इसलिए कि जो शीशे के साले में है मॉलिक्यूल्स, एक होता है एटम और एक होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल कहते हैं किसी मुरक्कब को तकसीम किया जाए और वहां तक पहुंचा जाए कि अगली तकसीम नामुमकिन। मसलन पानी मुरक्कब है H2O के तनासुब से, ऑक्सीजन का एक हिस्सा, हाइड्रोजन का दो हिस्सा, पानी बन गया। अब ये पानी मुरक्कब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, अब इस मुरक्कब की तकसीम करते जाओ, आखिरी ऐसा हिस्सा जो नाकाबिले इंकसाम तकसीम ना हो सके, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है। और किसी मुफरत को, मसलन इसी ऑक्सीजन को ले लीजिए, तन्हा है, अब इस ऑक्सीजन को डिवाइड करते चले जाए, तकसीम करते करते आखिरी हिस्सा जो नाकाबिले इंकसाम हो, दैट इज कॉल्ड एटम। एटम और मॉलिक्यूल में यह फर्क है, जिसको मॉलिक्यूल को साले में बोलते हैं। तो ये साले में जो होते हैं चांदी के, वो बिल्कुल अलग होते हैं, और जो शीशे के साले में होते हैं वो अलग होते हैं। अब दोनों के सालमों को मिलाना, ये बहुत बड़ी केमिस्ट्री होनी चाहिए इसके लिए। अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाया कि जन्नत के जो जाम होंगे वो दरहकीकत शीशे में चांदी मिलाकर के ढाले गए होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, वहां चल करके इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को जन्नत में जो है दाखिला फरमाए हमारा, और उसके लिए काम भी करो, खाली आरजुओं से कुछ नहीं होता, अमलिल इंसानी मा तमन्ना, खाली इंसान की तमन्ना से कुछ नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आजिज वो है, कहां है मौलवी फैजुल्ला, तबारक तआला ने बास बादर मौत की बहुत प्यारी दलील दी है। दलील देखिए, अलम नखरु अलम नजअलिल अर्ध किफाता अहयाअ व अमवाता, इससे पहले एक दलील दी गई, अलम नखलुकुम मिन माइन महीन फजअलनाहु फी करारिन मकीन इला कदरिन मालूम फकदरना फनिमल कादिरून। नुतफा कहां से चलता है, बाप की पुश्त से चल करके मां के रहम में आया, और एक मालूम और मुतय्यन वक्त तक वहां मां के पेट में रहता है, इंसान बनता है, उसके बाद बाहर आ जाता है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं कि क्या जमीन को हमने ऐसे ही नहीं बनाया, कैसे, मुर्दों को और जिंदों को समेटने वाली, चाहे मुर्दों को दफन कर दिया जाए या जला दिया जाए, जमीन ही में आ जाते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, देखो जब इंसान मर जाता है तो एक गड्ढा खोदते हो ना, कब्र जिसको बोलते हैं, और कब्र के अंदर मुर्दे को डाल देते हो, और आपने मिट्टी बराबर कर दी, ये जमीन का हमल ठहर गया, ये जमीन का हमल ठहर गया। इंसान कहां था, वहां से ला करके उसको कब्र खोद करके उसके अंदर दफन कर दिया गया, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, ये गोया जमीन का हमल ठहर गया। जैसे बाप की पुश्त नुतफा चलता है, माँ के रहम में जाता है, और वहां समझो हमल ठहर गया, और वहां 9 महीने के बाद निकलता है, और जब माँ के बदन के ऊपर जलजले का तरयान होता है, माँ मौत और हयात की कश्मकश में होती है, बच्चा बाहर आ जाता है। ऐसे ही जब तुमने मुर्दे को जमीन में दाखिल कर दिया तो जमीन का हमल ठहर गया, और कयामत के दिन हम इसी जमीन के ऊपर जलजले का तरयान करेंगे, और ये अपने हमल को उठाकर बाहर फेंक देगी। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्फ़ालहा, बास बादल मौत पर इतनी शानदार दलील है कि दाद नहीं दी जा सकती, बहुत ही प्यारी दलील फरमाई अल्लाह तआला ने, एक मुशाहदाती दलील है। उसके बाद सूरह नबा शुरू होती है, सूरह नबा के अंदर इरशाद फरमाया गया कि कल कयामत के दिन फैसला होगा कि ये जन्नत में जा रहे हैं जहन्नम में जा रहे हैं, तो जिनके बारे में जहन्नम का फैसला होगा बहुत पछताएंगे। सहीहैन की रिवायत, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व ताला बेसींग वाली बकरी का बदला दिलाएगा सींग वाली बकरी से, यानी जानवरों का भी फैसला होगा। अगर किसी सींग वाली बकरी ने नाहक किसी बेसींग वाली बकरी को मारा है, तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला इस बेसींग वाली बकरी के साथ भी अदल करेगा और उसको बदला देगा। उसके बाद जब बदला जानवरों का पूरा हो जाएगा, कहा जाएगा कूनू तोराबा, सबके सब मिट्टी हो जाओ, सब मिट्टी हो जाएंगे। अब ये मंजर देख करके काफिर ये तमन्ना करेगा कि काश
मैं भी इन लोगों की तरह मिट्टी हो जाता है। वह यकूल काफिर या लैतनी कुंत तुरबा, काफिर बोलेगा यह मंजर देखकर कि काश मैं भी मिट्टी हो जाता, लेकिन वहां मिट्टी थोड़ी होना है, यहां जो करके गए हो तुमको तो जहन्नम में जाना है, मिट्टी नहीं होना है, मिट्टी नहीं होना। इसलिए कि जानवरों के पास एक खास किस्म का जो शऊर तुम्हें दिया गया था जानवरों के पास नहीं था, और इसी शऊर की वजह से तुम मुकल्लफ थे खैर और शर के। वहां खैर और शर मुजीर और मुफीद की तकसीम तो थी, लेकिन खैर और शर की तकसीम नहीं थी। तुम्हारे यहां तो मुजीर और मुफीद की तकसीम के साथ साथ खैर और शर की भी तकसीम थी। वो ये नहीं जानता कि खैर क्या है और शर क्या है, वो ये जानता है मुफीद क्या है मुजीर क्या है। कोई गधा गोश्त थोड़ी खाता है, घास ही खाता है, जानता है कि मुझे घास ही खाना है। मुसीर और मुफीद की तकसीम है। अगर किसी के खेत में गधा चल रहा हो लाठी लेकर के अगर कोई दौड़ता हुआ तो भागता है, इसलिए कि वो जानता है बदन पर जब लाठी पड़ेगी तो चोट लगती है। मुसीर और मुफीद की तकसीम उसके यहाँ है, लेकिन खैर और शर की तकसीम नहीं है। खैर और शर की तकसीम सिर्फ इंसान के यहाँ है, लिहाजा इसी को बनाया गया है मुकल्लफ शरीयत का, और इसी के लिए जन्नत और जहन्नम है। जिस तरह मर्दों के लिए जन्नत और जहन्नम है, इसी तरीके से औरतों के लिए जन्नत और जहन्नम है। जिस तरीके से अच्छे अमल और बुरे अमल मर्द करते हैं, ऐसे अमल मर्द औरतें भी करती हैं, उनको भी जन्नत में जाना, उनको भी जहन्नम में जाना। लिहाजा औरतें भी मर्दों की तरह इस बात जहन में रख लें कि दोनों के लिए जन्नत और जहन्नम बनाई गई। लिहाजा अच्छे अमल की वजह से आदमी जन्नत में जाएगा, बुरे अमल की वजह से जहन्नम में जाएगा। दोनों अलर्ट हो जाएं, दोनों केयरफुल हो जाएं। सूरह नाज़ियात के अंदर एक साइंसदान है डॉक्टर अली उज़ेक करके हैं, डॉक्टर अली उज़ेक, उन्होंने इस सूरह नाज़ियात के अंदर जो एक आयत है उस आयत के एक लफ्ज से उन्होंने ये नुक्ता निकाला है कि जमीन जो है बैजवी है, अंडाकार है, जमीन गोल नहीं है। और आयत करीमा है वल अर्द बाद ذلك دحاها دحاها دحا का मतलब होता है टू इवन, हमवार करना किसी चीज को, कोई चीज अन इवन हो उसको इवन कर देना, बराबर कर देना। तो दहा का मतलब होता है फैला देना, हमवार कर देना। लेकिन लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है वो लफ्ज देहिया से बना है, और देहिया कहते हैं शतुरमुर्ग के अंडे को। और साइंसदान ये कहते हैं कि दुनिया में शतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच एग जो होता है, शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये वाहिद अंडा है जो जमीन के आकार की तरह है, यानी जिस तरह जमीन है उसी तरीके से शतुरमुर्ग का अंडा होता है, शतुरमुर्ग के अंडे की तरह ही जमीन है। लिहाजा कुरान हकीम ने वही लफ्ज इस्तेमाल फरमाया देहिया का, आज से 1400 साल पहले जमीन के बैजा बैजवी होने का, अंडाकार होने का तस्वीर दे दिया गया। ये बड़ी अजीबोगरीब बात कही गई डॉक्टर अली उज़ेक ने, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कुरान हकीम की इस आयत के इस लफ्ज के एक इस्म से ये माना महफूज है। उसके बाद सूरह अबस शुरू होती है। सूरह अबस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कयामत के दिन माँ अपने बेटे से भागेगी, बाप अपने बेटे से भागेगा, भाई अपने भाई से भागेगा। यौम यफिरुल मरु मिन अखीह वो उम्मीही व अबीही व साहिबतीही व बनी, जिस बीवी के लिए जिस बच्चे के लिए आदमी हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला ने यह वार्निंग दे दी है कि जिनके बारे में तुम हलाल और हराम की तमीज नहीं करते कल कयामत के तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी बीवी तुमसे भागेगी, एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगी। लिहाजा होश के नाखून ले लो, अच्छे अमाल खुद करके आओ, कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी सूरतों के अंदर बड़ी अजीबोगरीब बातें फरमाई हैं। आदमी मुताला करता जाए मुताला करता जाए और उसके ऊपर हैरत और इस्तेजाब के पहाड़ टूटते जाएंगे कि आदमी के सुधरने के लिए और आदमी को सही रूट पर ले जाने के लिए ये सारी की सारी आयतें कितना बड़ा रोल अदा करती हैं। आगे बढ़ें तो तालीम की अहमियत पर इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक है, बड़ा अजीब है। ये पहली वही की पहली आयत का पहला वर्ड है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। किसी भी मजहब के अंदर तालीम की इतनी अहमियत जो कुरान ने बताई है, इस्लाम ने बताई है, किसी और मजहब ने नहीं बताई। पहली वही उतरी तो उसमें तालीम का तस्करा, और वही की पहली आयत का पहला वर्ड है इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिराल, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मा लम यालम। और नबी की पढ़ाई में और आम इंसान की पढ़ाई में बड़ा फर्क होता है। किसी बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो आ बा ता से पढ़ाया जाता है,
और जब नबी की तालीम शुरू होती है तो बायोलॉजी के सबसे मुश्किल मजमून से शुरू होती है, तखलीक से शुरू होती है। इकरा बिस्मि रब्बिका लज़ी, बायोलॉजी के सबसे मुश्किल मसाले से उसकी तालीम शुरू होती है। लड़के की तालीम कहां से शुरू होती है? आबादा से। और नबी की तालीम कहां से शुरू होती है? डायरेक्ट बायोलॉजी के सबसे मुश्किल मसाले से, तखलीक इंसानी से, इंसान पैदा कैसे हुआ। इकरा बिस्मि रब्बिका लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। तालीम की बड़ी अहमियत है इस्लाम में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर इल्म का हासिल करना फर्ज है। तालीम की इतनी ज्यादा अहमियत इस्लाम ने बताई है। और हैरत तो इस बात पर है कि वो कौम जिसके हाथ तहारत जुज़्वे ईमान हो, इल्म की इतनी ज्यादा अहमियत हो, सबसे गंदी कौम सबसे बेइल्म कौम। अगर इनके महल्ले में चले जाओ, गंदगियां देख करके फौरन समझ में आ जाता है यहां मुसलमान रहते, गोया गंदगी मुसलमानों का तलाजुमा है। तलाजुमा यानी गंदगी देख करके मालूम हो जाएगा मुसलमानों का महल्ला है, जबकि नजाफत को ईमान का जुज करार दिया गया है, पाकी को जुज करार दिया गया ईमान का, सबसे गंदे लोग मुसलमान। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि तालीम चाहे पहले एक हाथ में आप दुनियावी तालीम और कुरान हदीस की तालीम, दूसरे हाथ में दुनियावी तालीम। कुरान एक मना नहीं करता, इस्लाम मना नहीं करता कि आप दुनियावी तालीम हासिल मत कीजिए, लेकिन दीन को कुरान और हदीस को अवॉइड करके अगर कोई आदमी इल्म हासिल करता है तो इल्म बेकार है। बल्कि दुनिया के जितने भी उलूम है सबकी नाक में किताब सुन्नत की नकेल डाल दी जाए। मैं कहता हूं अमेरिका सबसे बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? इसलिए कि उसके यहां दुनियावी इल्म बहुत बड़ा, टेक्नोलॉजी का इल्म बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं कि उसके इस इल्म के अंदर, उसके इस इल्म की नाक में वही इलाही की नकेल नहीं थी, उसने उस इल्म का गलत इस्तेमाल किया। नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर उसने जो बम डाल दिया, बताइए ये बम कोई मुसलमान डालता? जिसके इल्म के अंदर, जिसके इल्म की नाक में वही इलाही की नकेल हो, बताइए इस इल्म से क्या फायदा है जो इंसानों को तबाह करने के लिए बनाया गया हो, सीखा गया हो, पूरे शहर को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया। कहते हैं कि लाशें गल गल करके महीनों उड़ती रही हैं, उस एटम बम का ऐसा असर रहा है। तो ऐसे इल्म से क्या फायदा जिससे इंसानियत को फायदा ना हो? ऐसा इल्म सीखिए जिससे इंसानियत का फायदा हो, तुम्हारी जात को फायदा पहुंचे, तुम्हारे घर को फायदा पहुंचे, तुम्हारे महल्ले को फायदा पहुंचे, तुम्हारे मुल्क को फायदा पहुंचे। ऐसा इल्म सीखो जिससे हरेक को फायदा पहुंचे, वो इल्म जिससे इंसानियत का नुकसान हो, ऐसा इल्म सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। गोया दुनिया के किसी भी इल्म के अंदर वही इलाही की नकेल ना हो तो यह इल्म गलत रूट इख्तियार कर लेता है और यह नुकसानदेह होता है। गोया कोई भी फन का आलिम अगर वो किताब सुन्नत का आमिल नहीं है तो उसका यह इल्म बंदर के हाथ में उस्तुरा देने के मुरादिफ है। बंदर के हाथ में उस्तुरा देने के मुरादिफ है, कहीं भी मार देता हो, कहीं भी मारता रहता, घुमाता रहता हो। तो इसी तरीके से कोई भी आलिम हो किसी भी फन का, अगर उसके इल्म के नाक में वही इलाही की नकेल ना हो, यह इल्म उसको गलत रास्ते को डाल सकता है और डालता ही। बताइए इल्म क्या कहता है? महज़ब बनो, कम से कम पूरा कपड़ा तो पहनो। अमेरिका के अंदर देख लो, इल्म ये कहता है कि नंगे रहो। वो इल्म जो इंसान को इंसान न रहने दे, हैवान बना दे, ऐसा इल्म सीखने से क्या फायदा है? इल्म वो है जो इंसान को इंसानियत के जेवर से आरास्ता करे, वो इल्म जो इंसान को हैवान बना दे, ऐसा इल्म सीखने से क्या फायदा? ये इल्म है अमेरिका के पास और बददीन और मजहब बेजार ममालिक के पास, इसलिए कि उनके उलूम के अंदर वही इलाही की नकेल नहीं है। इसलिए सारे उलूम गलत रूप पर चल रहे हैं, जिसे इंसानियत को फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसान। उसके बाद फरमाया गया लैलतुल कद्र के अंदर हमने कुरान हकीम को नाजिल किया, और सारा क्रेडिट रमजान का, सारी नेकियों का पूरा क्रेडिट कुरान हकीम को जाता है। ऑल क्रेडिट गोज टू द होली कुरान। क्यों? इसलिए कि कुरान हकीम इसी लैलतुल कद्र के अंदर नाजिल हुआ है, और जिस रात को यह उतरा है उसकी कद्र कीमत बताई गई कि हजार महीनों से ज्यादा इसकी कद्र कीमत है। अगर किसी आदमी ने इस रात को पा लिया, गोया कि उसने हजार महीनों की इबादत को पा लिया। यह है कुरान हकीम का मकाम, कुरान हकीम का मर्तबा। जिस रात में उतरा उसको हजार महीनों के बराबर बना दिया।
सूरह जिलजाल के अंदर अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि जलजला जब होगा इस जमीन के ऊपर, तो जो कुछ उसके पेट के अंदर उसको सब बाहर कर देगी, जो मुर्दे भी हैं, मुर्दे खजाने हैं, खजाने। और उस दिन जमीन बात करेगी। अब आदमी सोच रहा होगा कि जमीन बात कैसे करेगी, जमीन बात कैसे करेगी? इसलिए कि टेप के अंदर जो रील होती थी, रील के अंदर मैग्नीशियम होता था, मैग्नीशियम, और मिट्टी का एक जुज है मैग्नीशियम। अगर आपके टेप रिकॉर्डर की रील मैग्नीशियम की वजह से आवाज को रिकॉर्ड कर सकती है, तो उस मिट्टी के अंदर अगर मैग्नीशियम है तो आपकी हरकत को और आपकी आवाजों को क्यों रिकॉर्ड कर सकते हो? बात क्यों नहीं कर सकती? यौमई दिन तो हद तो अखबार रहा, उस दिन जमीन अपनी खबरों को बयान करेगी, वो बोलेगी, वो खबर बयान कर देगी। उसके बाद यह फरमाया गया कि सारे इंसान घाटे में, सिवाय उस आदमी के जिसके पास चार चीजें, ईमान, अमल सवाले, तवासी के हक, तवासी के सब, यानी ईमान वाला हो, अच्छा अमल करने वाला हो, और हक की वसीयत करने वाला हो, और हक बात फैलाने वाला हो, इस हक फैलाने के रास्ते में अगर परेशानी आए तो सब्र करने वाला हो और सब्र की वसीयत करने वाला हो। ये चारों चीजें जिस आदमी के पास है वही कामयाब है, बाकी सारे के सारे लोग घाटे में। ये आयत करीमा, ये सूरह करीमा जब उतरी, कहते हैं इमाम राजी कि एक आदमी ने कहा कि इस सूरह करीमा का मतलब मैंने एक बाजार में समझा। एक बाजार में एक आदमी बेच रहा था एक चीज, जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे भाई जल्दी से ये मेरा सामान ले लो वरना नफा तो छोड़ो, मुझे मेरा असल माल भी नहीं मिलेगा, रासुल माल भी नहीं मिलेगा, जल्दी से मेरी ये चीज खरीद लो भाई, नहीं तो नफा तो छोड़ो, मैंने जो पैसा लगाया इस चीज के ऊपर वो पैसा भी रासुल माल भी नहीं मिलेगा। कहा कि मैं हैरत ज़दा हुआ, क्यों इतना चीख रहा है कि जल्दी से उसका माल ले लो, कौन सी चीज? देखा बर्फ बेच रहा हो, बर्फ बेच रहा हो। इसी तरीके से वो ये चाह रहा है कि इससे पहले कि बर्फ गल करके जमीन के अंदर चली जाए पानी बन करके, उससे पहले बर्फ को बेच करके पैसे खड़े कर लूं। ऐसे ही जिंदगी के ऊपर जमाना गुजर रहा है, और जैसे जैसे जमाना बदन के ऊपर गुजरता जा रहा है, यह जिंदगी बर्फ की तरह पिघलती जा रही है, जल्दी से इसको काम में ला करके पैसे खड़े कर लो आखिरत के लिए, वरना गए काम से। उस बर्फ की तरह तुम्हारी जिंदगी पिघल रही है, जल्दी से काम में ले आओ। इसका लम्हा लम्हा इंतहा कीमती है, एक सेकंड अगर माइनस हो गया जिंदगी से, दोबारा पूरी दुनिया देकर के उस सेकंड को वापस करना चाहो नहीं कर सकते। इतना आया मैं सोने से भी ज्यादा कीमती, पूरी कायनात से ज्यादा कीमती है इंसान का वक्त। एक दफा निकल गया इसकी जिंदगी से दोबारा नहीं आता। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुल औज़ु रब्बिल फलक, कुल औज़ु रब्बिन नास के अंदर एक अजीब बात फरमाई कि कुछ बीमारियां हैं ऐसी, उनके लिए कुछ दवाएं, दवाई दो। कुल औज़ु रब्बिल फलक من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد। अल्लाह की एक सिफत का हवाला दिया गया और चार बीमारियों से पनाह मांगने की दुआ की गई कि ए अल्लाह तेरी एक सिफत का हवाला, रब्बुल फलक है तू, चार चीजों से मुझे महफूज फरमा, चार चीजों से महफूज फरमा। और सूरे नास में इसका उल्टा है, अल्लाह की चार सिफतों का हवाला देकर के सिर्फ एक चीज से बचने की दुआ की गई है। कितनी अजीब बात है, दोनों में कितना फर्क है देखो, बिल्कुल उल्टा है। कैसे? सूरे फलक के अंदर अल्लाह की एक सिफत का हवाला देकर चार चीजों से बचने की दुआ की गई है, और सूरे नास में भी उसकी उल्टा है, अल्लाह की चार सिफतों का हवाला देकर के एक चीज से बचने की दुआ की गई है। जो कुलौज रब्बिन नास वाले पढ़ते हैं, कुल औज बे रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। देखिए अल्लाह की तीन सिफतों का हवाला दिया गया और एक चीज से पनाह मांगी, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक है इंसान का वसवसा और एक है जिन्नात का वसवसा। तो शैतान किसको बोलते हैं? जो बुरा हो जाए। अगर इंसान बुरा हो गया तो शैतान इंस है, और अगर जिन्नात बुरा हो गया तो शैतान जिन्न है। मिनल जिन्नति वन नास, यानी इंसानों में के भी शैतान होते हैं और जिन्नों में के भी शैतान होते हैं। शैतान माने पूरा हो जाना, तो अगर जिन्नात पूरा हो गया तो शैतान, इंसान पूरा हो गया तो शैतान। इसी वजह से कहा गया शयातीन इंस भी होते हैं और शयातीन जिन भी होते हैं। वो कदा लिख जानना लिकुल नबीय अदुवन शयातीन अल इंस वल जिन, यानी जिन में के शयातीन और इंसानों में के शैतान। यहां भी कहा गया मिनल जिन्नति वन्नास, ये वसवसा डालने वाले जिन्नातों में से भी होते हैं, जिन्नों में से भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, उसका दोस्त आ गया जो बेनमाजी है, कहां जा रहा है?
बोले अजान हो गई नमाज पढ़ने जा रहे, चल एक फिल्म मार करके आते हैं जरा सा। ये देखो वसवसा डाल रहा है, ये शैतान इंस है, उसको सही काम से रोक करके गलत रास्ते पर ले जा रहा है। तो अल्लाह की कितनी सिफतों का हवाला दिया गया, पहले रब्बिन्नास कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, एक का हवाला दे करके चार चीजों से पनाह मांगी गई। कौन कौन सी चीजें हैं? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ्फाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। एक तो मखलूकात के जो शर है, कोई भी मखलूक हो अल्लाह उसके शर से मुझे महफूज करना, सांप है, बिच्छू है, इंसान है, अल्लाह की तमाम मखलूकात के अंदर शर भी है तो उसके शर से मुझे महफूज करना। रात से तारीख, रात से जब वो दाखिल हो जाए, आपको मालूम है कि सारे गुनाहों की शुरुआत सूरज डूबने के बाद होती है। रात जो है ये गुनाहों को अपने अंदर समेटने वाली। दिन में जिस औरत को देख करके आदमी उल्टी कर दे, रात में क्या मेकअप वेकअप करके धंधे के लिए खड़ी हो जाती है। रात किसी खराब चीज को हसीन बनाने के। और जितने भी जानवर हैं अपनी अपनी कमी गांव से निकलते, बिच्छू निकल पड़ता है, सांप देखता है अंधेरा हो गया वो निकल पड़ता है, और चोर इंतजार करते रहते कि अंधेरा हो कि निकले, कमंद डाल करके किसी मकान को लूटे। इसी लूटने पर एक वाकया याद आया, मुहावरा बोला जाता है लेने के देने पड़ जाना। समझते कैसे होता है लेने के देने? एक चोर एक घर में दाखिल हुआ, पूरे घर में उसने घूम करके देख लिया, कुछ भी नहीं मिला। घर में दाखिल होते ही उसने देखा कि एक बुड्ढा है और बुढ़िया है, और दोनों बेचारे इंतहा दर्जे के गरीब हैं, यहां तक के उनके बदन पर चादर भी नहीं है, दोनों ऐसे खाट के ऊपर सो रहे हैं अलग अलग खटिया के ऊपर। इसने क्या किया, देखे गल्ला वल्ला होगा तो पहले गल्ला वल्ला देख करके चेक करके आता हूँ, फिर ये जो मेरी चादर है बड़ी वाली इसके अंदर मैं सारा गल्ला भरूंगा निकल जाऊंगा। वहां उसने चादर रख दी और उसके बाद गया पूरे घर में घूम फिर करके देखा तो कहीं कुछ भी नहीं मिला। अब सोचा कि आना बेकार हो गया, चादर उठाऊं और भाग लूं किसी दूसरे घर में जाऊं देखूं। देखा तो चादर वहां मौजूद नहीं है, देखा कि बुढ़िया ने वो चादर ओढ़ रखी है। तेजी से भागा कि लगता है घर वाले जाग गए। जब भागने लगा दरवाजे की तरफ, पीछे से आवाज आती है, बेटा अब के आना तो जरा दूसरी चादर बुड्ढे के लिए भी लेते आना। तो लेने के देने पड़ जाना, तो रात के अंदर ऐसे ही लेने के देने पड़ जाया करते हैं। तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन। गासिकिन तारीख रात को जब सारे गुनाह अपने जोबन के ऊपर होते हैं और अपने शबाब के ऊपर होते हैं, ये रात ही का कमाल होता है, रात ही के करिश्मे होते हैं। मिन शर्रि गासिकिन का व मिन शर्रि नफ्फासात फिल उक़द। नफ्फासात का मतलब होता है गिरोहों के अंदर फूंक मारने वाले, वो गंडा बनाने वाले बाबा लोग। बाबाओं के शर से पनाह मांगता है इसलिए कि बाबाओं के पास जाकर के कितने लोग हैं, कितनी औरतें जो अपनी आबरू गवा डालती, बात बात औरतों को देखा गया ऐसा चक्कर में ले लेते हैं। काम नहीं हो रहा है, तुमको अशुद्ध होना पड़ेगा बाबा बोलते हैं, और फिर उसको गलत रूट के ऊपर डाल देता है, अशुद्ध कर देता है, शुद्ध औरत को अशुद्ध कर देता है। वमीन शर्रि नफ्फासात फिल उक़द, गिरोहों के अंदर फूंक मारने वाले, गंडा बनाने वाले। या इसका एक मतलब और है, नफ्स फिल उक़द का एक मुहावरा है प्रोपेगंडा करना, खतरनाक किस्म के प्रोपेगंडे। लिहाजा मुसलमानों को रोका गया कि कौवा कान लिया जा रहा है, बगैर किसी तहकीक के कान देखे बगैर कौवे के पीछे लग जाना बिल्कुल सही नहीं है। प्रोपेगंडो को चेक करो कि ये मामला जो घूम रहा है ये कहां तक सही है। कोई प्रोपेगंडा हो जाता है खामखा आदमी एक्शन ले लेता और बाद में पछताता है कि ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ प्रोपेगंडा था। तो वो भी शर्रि नफ्फासात फिल उक़द, गिरोहों में फूंक मारने वालियों के शर से महफूज फरमा। और हसद करने वालों के शर से जब हसद करे, इसका मतलब हसद इतनी खतरनाक चीज है, जब तक अल्लाह की पनाह में ना आए हासिद के शर से महफूज नहीं रहता, उसके लिए अल्लाह तबारक तआला की पनाह जरूरी। तो अल्लाह की एक सिफत का हवाला देकर के चार चीजों से पनाह मांगी। और सूरह नास के अंदर देखिए, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, रब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास, तीन सिफतों का हवाला देकर के एक चीज मांगी गई है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास,
गोया कुरान हकीम को इस बात पर खत्म किया गया कि शैतान का वसवसा ही असल है, शैतान के वसवसों से महफूज जो रह गया, शैतान इंस और शैतान जिन्न के